दोस्तों इसको चोट लग गया है और इनको दवा लगाया जा रहा है। इनको दो तीन लाठी पड़ गया है दोस्तों, और मौके पर अगर हम लोग नहीं पहुंचते तो इनको आज मार ही डालते। आराम मिल रहा है, पटेल थोड़े बोलते नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हमें सूचना मिली है कि जिलेबीगंज से, ये कौन सा गांव भैया? बेलसड़े गांव में सांप निकला हुआ है, और दोस्तों वहां पर हम पहुंच चुके हैं और चल के देखते हैं सांप कहां पर है। और यहां पर हम पहुंच चुके हैं, जनता यहां पर सब जुटी है दोस्तों, और चलकर देखते हैं सांप कहां पर है। भाई साहब बता रहे थे कि बाथरूम में है, और चलिए देखते हैं हम सांप कहाँ पर है। भैया कहाँ है सांप? अंदर है, अंदर है, अंदर। चलिए निकालिए उसको, चलिए देखिए अंदर कहाँ पे है। दोस्तों सांप यहाँ बैठा हुआ है, और ठंडी का सीजन ज्यादा है दोस्तों, इसलिए कहीं पर जा नहीं पा रहा है, उसको चलने की शक्ति नहीं है दोस्तों। और दोस्तों इसको हम पकड़ कर अब इसको ले जाकर सेफ्टी से रख देते हैं। पकड़ो उसको। दोस्तों ये शौचालय में था, और ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रही है। दोस्तों ठंडी उसको ज्यादा लग गया है। ठंडी बार भी है, गर्मी हो तो एक डिब्बा ले आओ भैया। चलो दोस्तों डिब्बा आ गया है, उनको हम डिब्बे में डाल करके ले जाकर जंगल में हम छोड़ देंगे। दोस्तों जीव जंतुओं को बचाना हमारा काम है दोस्तों, और दोस्तों आप लोग ऐसी गलती मत करना, क्योंकि इनका पकड़ने का 30-32 साल से एक्सपीरियंस है दोस्तों। पकड़ रहे आप ऐसी गलती मत करना, क्योंकि हादसा हो सकता है दोस्तों, नहीं भी हो सकता है। यहाँ जनता सब जुटी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों इनको डिब्बे में हम डाल दिए हैं, और दोस्तों यहाँ पर छेद भी कर दिए हैं कि ताकि इनको सांस लेने के लिए दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों इनको पकड़ कर हम डिब्बे में रख दिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए हमें इजाज़त दे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।